हाँ एक इस बेटे पर शेयर कर रही थी आप लोग के साथ में सिक्सटी डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज जिसमें कि मैं आप लोग के साथ में डेली बेसिस में वीडियोस लाने के लिए प्रॉमिस किया हुआ है और देखती हूँ मैं कब तक फॉलो कर पाऊंगी या फिर ऑल्टरनेट डेज पर वीडियोस आएंगी क्योंकि सारी चीजें मुझे खुद से मैनेज करनी होती है तो मैंने सोचा है कि आप लोग के साथ में जो हमारी मेन वीडियोस होंगी वो ऑल्टरनेट डेज पर आएंगी जिसमें मैं आप लोग के साथ में हर एक चीज शेयर करूंगी अच्छी तरीके से बट डे वन डे टू डे थ्री डे फोर में आपको अपडेट देती रहूंगी कि मैं क्या क्या चीजें कर रही हूँ किस तरीके से सुबह मैंने नारियल पानी लिया था एक गिलास उसके बाद से मैंने अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लिया था जिसमें मैंने ब्राउन ब्रेड और सैंडविच ब्राउन ब्रेड का सैंडविच लिया हुआ था ठीक है उसके बाद से अभी मैंने एक पाइनएपल का जूस लिया है और अब थोड़ी देर बाद मैं लंच करूंगी ठीक है तो ये सारी चीजें तो देखो मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ में दो हैं और घर का सारा काम आप लोग को पता है में शेयर कर दूंगी। अभी चलते हैं, हमने डे टू में क्या क्या चीजें करी है वो देख लीजिए और कौन सा टोनर मैंने अपने बालों में लगाया है वो देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर करना है पहले देख लेते हैं हेयर केयर रूटीन उसके बाद देखेंगे टोनर कैसे बनाना है आपको उसके बाद में ठीक है आपको क्या करना है दो कोम से कोम करना ठीक है दे ये हमारा डे टू है डे टू में आपको अच्छे से अपने बालों में कोम करना है मैंने अपने बालों में ब्रेड बनाई थी आप लोग देख सकते हैं बालों में प्लेट्स बनी हुई हैं मैंने जब इसको ओपन किया था तो फिर मेरी लाडो ना बहुत रोने लगी थी अब आप, आप लोग भी समझ सकते हो बच्चों के साथ में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो जब भी आप अपनी ब्रेड को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले तो आपको स्कैल्प से कंगी करनी है जो पतले तीर की कोम का प्रयोग मैंने किया ठीक है यूज़ किया अब उसके बाद से जो आपकी लेंथ होती है ना हमें पहले नीचे से बालों को सुलझाना होता है फिर ऊपर से जाना होता है फिर धीरे धीरे ऊपर से जा के फिर पूरा नीचे आना होता है मैं आपको बताऊँ कि देखो तो यहाँ पर आप लोग विश्वास नहीं करोगे मेरे एक भी बाल नहीं निकले हैं ठीक है अब देखो कसम खाना ना खाना बात बराबर है और कसम खानी भी नहीं चाहिए फिर भी आप लोग कहोगे तो मैं आप लोग को यही बोल रही हूँ गॉड प्रॉमिस कि यहाँ पर मेरे एक भी बाल नहीं निकले हैं कॉम करने पे क्योंकि ये जो ऑयल है ना मतलब इतना जादुई ऑयल है ये वाला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये जितने भी ऑयल मैं आप लोग के आठ तरीके के जो शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मैजिकल हेयर ऑयल हैं और जो इसमें इसेंशियल ऑयल यूज़ हुए हैं उन सभी चीज़ों की लिंक और आप लोग को यूज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं सभी चीज़ों के मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दूँगी आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा एक दो दिन बाद आप लोग को सारी चीजों की लिंक मिल जाया करेगी ठीक है आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है अब अभी हम देख सकते हैं बालों की थिकनेस ऑयल लगे हुए बाल मेरे इतने सारे हैं तो सोचो आपकी जब मेरे बाल ड्राई होते होंगे तो मेरे बाल कितने घने और कितने मोटे लगते होंगे ठीक है दूसरी चीज़ की आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को वीडियो आने से पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए या जो लोग मेरे साथ में सिक्सटी डेज चैलेंज करना चाहते हैं वो लोग हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं एक सौ उनसठ रुपए की जो लोग एक सौ उनसठ रुपए की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे वो यूट्यूब से ही ज्वाइन करेंगे आप यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा हुआ ज्वाइन बटन आ रहा होगा ग्री ब्लू कलर का उस पर क्लिक करना है पेमेंट का ऑप्शन आएगा वहीं आपको पेमेंट करनी है ठीक है पेमेंट करके आप लोग जब पेमेंट कर देंगे तो आप लोग को हमारी कम्युनिटी पर जो चीज़ें होंगी अपडेट करना होगा वो मैं अपडेट कर दूंगी जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उनको ही वो चीज़ें दिखेंगी ठीक है तो पैक में क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं पैक किस तरीके से बनाया जाएगा ये चीज़ें मैं अपडेट कर दूँगी जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस मैसेज में इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि दीदी हम लोग इंटरेस्टेड हैं एक सौ बहुत ज़्यादा नहीं होता है आपको पूरे एक महीने की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ठीक है हेयर पैक की वीडियो आएगी आप लोगों की आप लोग चाहें तो उसे देख के भी कर सकते हैं एक दिन पीछे करेंगे आप लोग और अगर आप लोग साथ में करना चाहते हैं तो आप लोग एक सौ का मेंबरशिप ले सकते हैं यूट्यूब से ही ज्वाइन करना है मैं दो बार क्लियर कर दे रही हूं और आप जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कम्युनिटी पर सारी चीज़ें शो होंगी क्योंकि वो मेम्बर्स के लिए ही होता है ठीक है प्रीमियम मेंबरशिप अलग है और बेसिक मेम्बरशिप अलग है ठीक है इसमें जब मैं कोई चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ या किसी का बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है उसमें आप विश करवा सकते हैं हाँ इसमें आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया जाएगा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ज्वाइन करने से पहले और मनी नॉन रिफंडेबल है क्योंकि ये यूट्यूब के पास जाती है मनी हमें इसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है हमें जो भी पैसा मिलता है वो थोड़ा बहुत ही होता है आप एक सौ एक सौ उनसठ रुपए में आप फिफ्टी परसेंट यूट्यूब लगता है और फिफ्टी परसेंट हमें मिलता है तो आप लोग एक सौ एक सौ उनसठ रुपए का फिफ्टी परसेंट निकाल लेना खुद से ठीक है तो क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं इसलिए दूसरी चीज़ ये कि जो लोग करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर ले जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनकी कोई बात नहीं है वो लोग वीडियो को देख कर भी कर सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर हमने अपने बालों में अच्छे से टोनर लगाया है टोनर जो मैंने लगाया है वो भी आप लोग के साथ में अभी शेयर करूँगी कैसे बनाना है देखो मेम्बरशिप ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये रहेगा कि जो हेल्पन हेयर पैक मैं लगाने वाली हूँ वही हेयर पैक आप लोग के साथ में मैं नेक्स्ट डे शेयर करूंगी नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिलेगी हाँ ये रहेगा कि आप लोग उस दिन उसको बना करके लगा सकते हो अगर आपके पास में सामान नहीं है तो आप वो सामान ला सकते हो परचेज कर सकते हो पहले ही और साथ साथ चैलेंज चैलेंज को कर सकते हो साथ में मैं क्या डाइट फॉलो कर रही हूँ वो भी चीज़ें मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी ठीक है तो वो कम्युनिटी उन्हीं को शो होगी हो जो लोग मेबरशिप ज्वाइन करेंगे एक सौ उनसठ रुपए वाली तो चलिए देखते हैं टोनर कैसे बनाना है ठीक है टोनर के लिए आपको चाहिए एक कप पानी और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद से इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ठीक है तो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसी का हम नेक्स्ट डे पैक बनाएंगे डे थ्री में तो वो चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा ध्यान से चीज़ों को करिएगा क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर आप पार्ट मिस करेंगे तो फिर आपसे हर एक चीज़ छूट जाएगी तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा ठीक है मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए पानी जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो इसमें हम चीज़ें ऐड करने वाले हैं वो चीज़ें हैं आपकी एक तो है सेज लीव्स आपको सेज लीव्स डालनी है एक से दो चम्मच करीब यहां पर ये यह देख सकते हैं सेज लीप्स है आपको अमेजॉन पर मिल जाएगी इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी मैं आप लोगों को ठीक है सेज लिप्स आपके गंजे सिर पर बाल उगाती है वाइट हेयर को रोक देती है जैसे आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उनको वहीं पर स्टॉप कर देगी बट जो वाइट हो चुके हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है सिर्फ उस पर कलर किया जाता है वो परमानेंट ब्लैक नहीं होते हैं ठीक है दूसरी चीज कि अब यहाँ पर नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें रोज़मेरी रोजमेरी आपकी पीछे गई हेयर लाइन को बहुत अच्छे से फिल करती है बट रोज़मेरी का जो प्रोसेस होता है रीग्रोथ के लिए वो तीन महीने तक लगातार रोज़मेरी को यूज़ करने से फ़र्क पड़ता है तीन महीने चार महीने पाँच महीने जितना टाइम आप देते हो रोजमेरी को अपने बालों पर अपने स्कैल्प पर ये उतनी ही अच्छे से आपको रिजल्ट देती है ठीक है तो दो चम्मच आपको रोजमेरी भी इसमें डालना है रोजमेरी गंजे सिर पे भी बाल उगाती है रोजमेरी आपको बहुत ही अच्छे से नींद की अगर प्रॉब्लम है किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है आपकी हेल्थ जो अगर आपकी जो बालों की हेल्थ है बहुत ज़्यादा डाउन है बालों में कलर अच्छा नहीं है बालों में शाइन अच्छी नहीं है तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है रोजमेरी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं रोजमेरी का टी भी ले सकते हैं जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हो सकती है आप ऊपर से भी कर रहे हो क्योर और अंदर से भी कर रहे हो क्योर है ना दोनों तरीक़ों से आप चीज़ों को कर रहे हो तो रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं तो मैंने आप लोग के साथ में आज डे टू भी शेयर कर दिया है और डे थ्री भी आप लोग के साथ में कल शेयर करूंगी तो कल डे थ्री है हमारा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी तो यहाँ पर हमने अपना जो टोनर है अच्छे से इसको हम छान लेंगे टोनर पकाना कितनी देर है सात से आठ मिनट के लिए बॉईल करना है बस उसके बाद से इसको छान लेना है जो इंग्रेडियंट्स बच गए हैं इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए मैं भी आप लोग को यहाँ पर शो कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता है करना क्या है चीज़ों को ठीक है तो यहाँ पर इसको हमने क्या किया है स्टोर कर दिया है एक एयर टाइट कंटेनर में ठीक है आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं बाहर भी रख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आप बालों की कोई भी चीज़ बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं लगाने से आधे घंटे पहले आप उसको निकाल लीजिए फिर आप लगा सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने ये रख दिया है नेक्स्ट डे हम इसका हेयर पैक बनाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टोनर में अपना लेवेंडर ऑयल टोनर में मैंने सिर्फ लेवेंडर ऑयल डाला है मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ थर्टी ड्रॉप्स आप अपने लिए यूज़ करेंगे टेन ड्रॉप्स ठीक है आपको टेन ड्रॉप्स ही डालना है इससे ज़्यादा नहीं डालना है ज़्यादा डालेंगे आप तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं सर भी घूम सकता है क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे नए होंगे हमारे चैनल पर जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो फर्स्ट टाइम अगर आप इस इंशोरा यूज हैं तो आप कम क्वांटिटी में यूज करें तो ये लीजिए हमारा टोनर बनकर रेडी है इसको यूज कीजिएगा एक हफ्ते तक तो कैसे आपने हमारा जो टोनर है बनकर के रेडी हो चुका है इस तरीके से आपको अपने बालों की केयर करनी है तो आज हमारा कंप्लीट होता है डे टू और डे थ्री में हम करेंगे अपना हेयर वॉश और हेयर वॉश करने के बाद से हम लगाएंगे अपने बालों में हेयर पैक या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने बालों में हेयर पैक लगा ले डे थ्री में और उसके बाद हेयर वॉश कर ऑयल लगे हुए बालों हैं हमारे टोनर लगे हुए बाल इसी पर हमें अपने बालों में डे थ्री में हेयर पैक लगाने हेयर पैक कैसे बनाना है किस तरीके से बनाना है ये चीज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी डे थ्री में तो आप लोग एक दिन पीछे काम करेंगे मेरे से ठीक है तो आप लोग करिए इन चीजों को फॉलो और जिनको मेरे साथ काम करना है वो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं या फिर मेंबरशिप ज्वाइन कर लें लेसठ रुपए की जो वन फाइव की है तो मेंबरशिप जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको मैं अपडेट दे दूंगी कम्युनिटी पर डाल करके जो लोग ज्वाइन करेंगे मेंबरशिप वन की उनको कम्युनिटी पर सारी चीजें शो हो जाएंगी किस तरीके से चैलेंज को फॉलो करना है और नेक्स्ट डे मैं क्या करने वाली हूँ ठीक है तो पैक बनेगा तो पैक की डिटेल आप लोग को मिल जाएगी किस तरीके से पैक प्रिपेयर करना है तो आप लोग चाहें तो ये चीज भी कर सकते सकते हैं या फिर आप लोग एक दिन बात करेंगे चैलेंज चालेंग को जब वीडियो आ जाएंगे तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से डे थ्री में तब तक के यूर अपना ख्याल है पांच तो है है फुट, फुट, फुट में तो आप लोग को मैंने अपनी हाइट भी बता दी है और आप लोग को मैंने अपने बालों के लेंथ भी बता दी है और साठ दिनों बाद देखते हैं बालों में क्या ग्रोथ होती है बालों में क्या थिकनेस आती है जो आपके बाल हल्के हो रहे ना, वो धीरे धीरे ऊपर से मोटे होना शुरू हो जाएंगे और नीचे जो बाल आपके पतले हो रहे हैं ना वो भी आपके बाल मोटे होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आप अच्छे से केयर करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे तो मिलती हूँ आप लोगों से डे थ्री में तब तक के लिए टेक अपना ख्याल